तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रिपल कैरी। पिछले व्लॉग में हम लोग ने जो देखा, घंटा देखा, तुम लोग लिंक डाल रहा हूँ, जाके देख लेना। दो जंगल सफारी किए और बाइक से डुअर्स में काफ़ी जगह घूमे। इस व्लॉग के एंड में बाइक क्रैश तो हो जाता है, सैड, बट उससे पहले काफ़ी जगह घूमे, जैसे ये मूर्ति रिवर के बैंक से स्टनिंग सनसेट, एंड यू कांट मिस दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी इन द मिडिल ऑफ सेवनपियांग टी एस्टेट। दिस बंगलो इज नॉट टूरिस्टी एंड अ वेरी रेयर फाइंड। लगे रहो, बहुत सारा डिटेल्स मिलने वाला है इस ब्लॉग। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस ब्लॉग। चल So our day started from Chilapata Bamboo Resort. Checked out around 10 a.m. in the morning and आज का destination है Murti Resort. Unlike our journey to Chilapata, Google इस बार सिर्फ एक ही route दिखा रहा था, Chilapata to Hashimara and onwards. It was a very sunny day and it was a very pleasant ride through Chilapata and Jaldapada Forest. रोड्स एकदम मस्त थे, पर फॉरेस्ट का ब्यूटी इतना ज़्यादा था कि हम लोग भगा नहीं पा रहे थे, आहिस्ते से जा रहे थे और एंजॉय करते करते निकल रहे थे। एंड दिस इज वन ऑफ द एंट्री पॉइंट्स टू चिलापाता फॉरेस्ट। एंड ये फ्लाई ओवर जो दिख रहा है, दिस इज द वन दैट कनेक्ट वेस्ट बंगाल टू भूटान। ये जाता है टिल जयगांव फुनसिलिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माउंटेन्स एज वी राइड ओवर तोरशा रिवर। আচ্ছা 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 এর থেকে ভালো পাবি না, মানে এরকমই পাবি। हम लोग का अल्टीमेट डेस्टिनेशन था लावा, और मूर्ति सिलेक्ट करने का कोई खास वजह नहीं था। एंड आई वाज नॉट श्योर कि विवेक एंड अनिकेत हाउ दे वुड रिस्पॉन्ड टू लॉन्ग राइडिंग आवर्स एवरी डे। तो हम लोग ने सोचा कि बीच में कहीं रुक जाते हैं। मूर्ति ये रहा मूर्ति का फर्स्ट नजारा। ये टूरिस्ट स्पॉट हम लोग के रिसोर्ट से थोड़ा सा दूर ही है, एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ टूरिस्ट फ्लॉकिंग दिस एरिया। निकेत एक तो हमारा आया दिखा। अपने रिसॉर्ट से मूर्ति का बैंक्स बहुत ही नज़दीक था। रिसॉर्ट में घुसने से पहले लगा एक बार मूर्ति के सामने एक फोटोशूट हो जाए अपने बाइक्स लेके। विवेक शुद्ध फोटो। ये रहा रिसोर्ट और रूम टूर। वेस्ट बंगाल टूरिज्म का ही प्रॉपर्टी है एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 3000 प्लस। ए ए तू बेटा दे चल। ओय 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 बेटा कोड़ा जाबे कोड़ा जाओ कदी हो जाओ जाओ ता झुली ने एक तो पा भीज दे। अच्छा
शाम को रिसोर्ट से निकल के आगे मूर्ति के बैंक्स एंड वी एंजॉयड अ लवली सनसेट। Next day we checked out early and we were super excited. Excited because the destination looked super cool in pictures और हम लोग को जाके देखना था was it for real? उस दिन का route कुछ ऐसा था, मूर्ति से निकल के पहुँच गए चालसा, चालसा से पहुँच गए हम लोग दामदीम माल बाजार होते हुए और माल बाजार से गोरुबथान एंड देन टूवर्ड्स नेवरा वैली पार्ट निकल पड़े। डेस्टिनेशन था सैमाबियोंग टी एस्टेट में एक छोटा सा बंगलो। सैमाबियोंग विलेज इज 5-6 किलोमीटर साउथ ऑफ लावा एंड ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ से कंचनजंगा व्यूज भी मिलता है। विवेक यहाँ वीडियो लेते लेते ऑलमोस्ट एक ऑनकमिंग कार से टकरा जाता है, सो गाइज बीवेयर, वीडियो लेते लेते ड्राइव मत करो। कमिंग बैक टू द सैमाबियोंग टी बंगलो, ये डेस्टिनेशन एकदम टूरिस्टी नहीं है, ये रिसॉर्ट में सिर्फ चार ही रूम्स है एंड इट सिट्स नीटली ऑन टॉप ऑफ अ हिलॉक जहाँ से फैसिनेटिंग व्यूज है। टॉकिंग ऑफ व्यूज, आई लेट यू गाइस एंजॉय दिस राइड। प्लेन्स में कहाँ ट्विस्टीज मिलता है, तो जैसे हिल रोड्स चालू राइट हैंड बेकाबू, रॉसी नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग आता है एंड दैट्स व्हाई आई एंजॉय अ लॉट व्हाइल राइडिंग इन द माउंटेन्स। नॉनवेज वालों के लिए ये गिफ्ट सेव कर दिया। बाकी का टाइम भी एकदम मस्त सा निकल रहा था, ट्विस्टीज नेचर के ब्यूटी सब एंजॉय करते करते निकल रहा था, बट लिटिल डिड आई नो व्हाट वाज वेटिंग फॉर मी। लाइक आई सेड बिफोर, सैमाबियोंग एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है और हाईवे से भी एक डिटूर है। ये कट मैंने फर्स्ट टाइम मिस किया और वापस आके देखा कि एक भयानक डाउन स्लोप है, बाल बाल बचे और फिर अभी चल रहे टूवर्ड सामने। वेरी डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू वेरी ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू विटनेस द गहराई ऑफ द रिलेशन। इस रिसोर्ट का बस एक ही प्रॉब्लम है एंड यस आई एम स्टार्टिंग विद अ नेगेटिव फीडबैक, बट वो प्रॉब्लम ही ये अप्रोच रोड। As you can clearly hear, I was talking to myself, क्योंकि तब तक मुझे difficulty level पता चल गया था। अच्छे अच्छे off-road track को भी हरा सकता है, easily हरा सकता है। Hardly 200 meter की track है, but you are presented with rocks, pebbles, boulders of all shapes, sizes. Rocks के ridges होने से tire अटक रहा था और rounded होने के लिए tire traction loss भी हो रहा था। एक टाइम पे लग रहा था कि बाइक इधर ही छोड़ के जाना है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू नेविगेट थ्रू दिस रोड्स, फिर जय माता दी बोले और निकल पड़े।
कैमरा डजेंट डू जस्टिस है, रोड्स बहुत स्टीप है एंड पेबल्स बहुत तकलीफ दे रहे थे। ऐसे भी करके ऊपर रिसोर्ट तक पहुंच तो गए, बट देयर वाज दिस डीप रियलाइजेशन कि नीचे आना एकदम इजी नहीं होगा। एंड डिडंट आई से ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, रिसोर्ट खुद ही चेक कर लो। दिस इज द एवी रूम ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप लोग खुद मूवीज या फिर कोई सीरीज एंजॉय कर सकते हो। एंड दिस इज द डाइनिंग स्पेस, और डाइनिंग से याद आया, फॉर द टैरिफ यू पे इस रिसॉर्ट में ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इंक्लूडेड है। रिसॉर्ट बिल्कुल एक हिल टॉप पे है एंड द व्यूज आर मेस्मराइजिंग। एंड दिस इज द फेमस एंड यूनिक ग्लास रूम जो इस रिसॉर्ट का सिग्नेचर है। एंड दिस इज द बैल्कनी ऑफ आवर रूम। लंच के बाद निकल पड़े टूवर्ड्स ऋषभ, एक व्यू पॉइंट तक जाना था जहाँ से कंचनजंगा दर्शन का पॉसिबिलिटी था। आई डिड नॉट हैव द करेज टू ब्रिंग माई बाइक डाउन, और हम लोग तीनों विवेक के गाड़ी में बैठ गए। विवेक्स इनएक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन हिली रोड्स वॉज गिविंग अस अ वेरी हार्ड टाइम। Eventually 6 miles से थोड़ा ऊपर चढ़ के विवेक gave up and I took over. काफी hails गिरा था रास्ते पे and it was very slippery. এটা কি বলো তো? কি? কোন লাগছে? দেখি নি। Yes. আমরা বড় পো পেয়ে গেল। कंचनजंगा तो दिखा नहीं, बट वी एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम आवर रिसॉर्ट। ये रिसॉर्ट का छोटा सा फायरप्लेस एंड दिस इज द ऑडियो विजुअल रूम। डजंट इट लुक स्टनिंग? एंड दिस इज आवर रूम for which we paid 9,000 plus taxes. हम लोग हारने वालों में से नहीं है, सो नेक्स्ट मॉर्निंग कंचनजंगा व्यू के लिए निकल पड़े। We were told कि रिसॉर्ट से एक छोटा सा हाइक है टूवर्ड्स एन ऑपोजिट हिल एंड उधर से कंचनजंगा व्यू का चांसेस है। भाई ये भालो लेंस थकले कि सुंदर लग जो इटा कि सुंदर ना लाल लग दो। And just like magic, white snowy peaks दिखने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू लीव। आज का डेस्टिनेशन था मालदा, बट नॉट बिफोर वी क्रॉस द 200 मीटर्स ऑफ हिल। राइड शुरू होने से पहले आई वॉज वेरी एप्रिहेंसिव, सुपर बाइक का वेट मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा था, बट विवेक एंड अनिकेत बोथ हेल्प मी काम डाउन। दे रीअश्योर्ड मी एंड दे वर बाई माई साइड ड्यूरिंग द होल डिसेंट। আপাতত লাগছে না।
पेयर बैठिए फर्स्ट 100 मीटर से निकल गए एंड आई वॉज ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस एंड साथ में दोस्त लोग देख के मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा था बट पेशेंस शायद कम। इन दिस लास्ट स्ट्रेच ये बोल्डर्स लूज भी थे और साइज भी काफी ज्यादा, फ्रंट टायर्स अटक रहा था एंड आई हैड टू एक्सीलरेट एंड मैनूवर ओवर देम एंड देन ब्रेक इमीडिएटली बिकॉज डिक्लाइन था और काफी स्टीप एंड देन माय परसिवियरेंस ब्रोक। ना लागे नहीं तो थोड़े ये स्टैंड दे बा ना स्टैंड ओन डर डर धर हां थोड़े अच्छे हाँ चले आओ चेंज करते ना तार तला चले এই পাথরটা হ্যাঁ আস্তে আস্তে চলে আসতাম টান দিকে ধরে ধরে যেরকম আস্তে আস্তে আসলাম হ্যাঁ আমারই ভুল একদম লাস্ট এইখানটা এসে তুই পড়েছিস মানে আর একটু ভুল ছিল হ্যাঁ সো হোয়্যার ডিড আই গো রং ইমপেশেন্ট হোকে আই পুলড ইন দ্য ক্লাচ এন্ড লেট দ্য বাইক রোল উই উইল কিপ ফলিং ইন লাইফ But it is important that we learn our lessons right. Lower fairing or side fairing दोनों ही crack कर गया था तो expense का डर तो था थोड़ा। Good part ये था कि the bike was under zero depth cover, so I did not have to shell out much. And then life में twisties वापस आ गए and then I started enjoying a little. बट दिस एंजॉयमेंट वॉज शॉर्ट लिव क्योंकि वो गिरने का सीन दिमाग में प्ले बैक हो रहा था। देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर In a rage, I was pulling away from others. पता नहीं शायद वो embarrassment था या फिर एक inner sense of guilt, fury. मैं भागा ही जा रहा था. Maybe because I love my machine so much कि वो acceptance ही नहीं आ रहा था कि I had crashed it. Finally, some good sense prevailed, and फिर मैंने wait किया इन दोनों के लिए।
एंड मेरा मन बहलाने के लिए देखो, फोटोज पे फोटोज। अब ट्विस्टीज भी खत्म हो गया था तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, तो दिमाग में फुल ऑन वही प्लेबैक चल रहा था। इन अ नटशेल, इट वॉज अ वेरी बैड राइडिंग डे एंड आई स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग आफ्टर आई केम डाउन। कट टू नेक्स्ट डे, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया अंटिल आई सॉ दक्षिणेश्वर टेम्पल। एंड आज का सिल्वर लाइनिंग यही था कि आई वॉज राइडिंग बैक टू होम एंड आई वॉज राइडिंग बैक टू आनंदिता एंड माई लिटिल वन। लिटिल वन को थोड़ी देर में दिखाते। इफ यू हैव फॉलोड माई प्रीवियस व्लॉग, आप लोग को पता होगा कि आनंदिता गई थी स्टेकेशन के लिए विवांता पे, और मैं घर नहीं जाके डायरेक्ट विवांता जा रहा हूँ। वो एंटिसिपेशन से काफी एक्साइटमेंट आ रहा था कि उससे बात करूंगा एंड आई विल शेयर माई जर्नी। आ गया विवांता गेट, कहाँ हो तुम आनंदिता? फाइनली मेट हर, हेल्ड ऑन टू हर लाइक फॉर एवर एंड देन शी टुक अस टू आवर रूम, और ये है रूम व्यू। एंड देयर शी इज आनंदिता विथ माई लिटिल वन। विवांता हैड अरेंज्ड अ क्रिसमस स्पेशल बुफे डिनर एंड सब मिलके काफी एंजॉय किए। नेक्स्ट डे घर वापस, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस ट्रिप। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।